नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी इस प्यारी सी रीडिंग में। आप दोनों के रिश्ते में जो अभी करंट स्टेटस है, ओवरऑल जो आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी है वो बताने की कोशिश करूँगी। क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के मन में, आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हों। ये सब बताऊंगी इस रीडिंग के थ्रू, तो रीडिंग में आखिर तक बने रहिएगा। बता के ज़रूर जाइएगा फीडबैक देके कि आपको कैसा लगा। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। कुछ राशियाँ जो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, मीन राशि, म से मकर राशि मुझे दिखाई दे रही है, मेष राशि भी नज़र आ रही है। समथिंग रिलेटेड टू लेटर एम हो सकता है, आपका हो या आपके पर्सन का हो, या ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी के भी नाम में एम ना हो। तो फिक्र मत कीजिएगा, जो मैसेजेस आए हैं स्पेसिफिकली वो मैंने आपको बताए हैं। आप परेशान हो अपने पर्सन की वजह से, और कोई चीज़ नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बार बार आप जितनी बार कोशिश कर रहे हो ना अपने पर्सन को समझाने की, वो आपकी तरह नहीं समझ रहे हैं, आपके मन की बात को नहीं समझ रहे हैं। मैं मानती हूँ इस समय आप नो कॉन्टैक्ट में हो और ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई हुई है। इस समय आप मुझे खुद ही इस पर्सन से मुंह मोड़ते हुए या फिर उनको अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट है, और आप नहीं चाहते इस रिलेशनशिप के चक्कर में वो चीज़ ख़राब हो, आपका काम ख़राब हो। आप नहीं चाहते कि आपके फाइनेंसिस में कोई कमी आए या फिर दखलंदाजी आए, ये चीज़ मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हो। आपको एक तरीके का डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एनर्जीज और उनकी एनर्जीज कभी मैच ना करें। आपकी एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ। मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस पर्सन को लेके इतने ज़्यादा परेशान हो कि आपको पता है कि आपका और आपके पर्सन का कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है कि रिश्ता चलने नहीं वाला। आपको ये भी पता है कि आप यहाँ पे ना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस इंसान को समझाना बेकार है। ऐसे ख्याल आपके मन में बार बार आ रहे हैं। जितनी बातें हो रही है होती जा रही है, आप दो बात कह रहे हो, वो दो बात कह रहे हैं, पर एक सॉल्यूशन जो कहते हैं ना, एक समाधान, चलो इस पे अग्री करते हैं, वो हो नहीं पा रहा। आपकी तरफ से मैं बता दूं कि ये पर्सन कुछ भी कर रहे हैं, आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। एक तरीके से आपको हर चीज़ में गलती दिखाई दे रही है। मैं आपको ऑनेस्टली कहती हूँ, आपके मुँह पर कुछ सारी की सारी यहाँ पे 100% बुरी चीज़ नहीं है गाइस, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी भी है इस पर्सन की जो आपको अप्रिशिएट बिल्कुल करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी होने के बाद ना, अगर इस पर्सन को मना लिया जाए, सही तरीके से इनको समझा दिया जाए, तो ये समझेंगे। बिल्कुल अड़ियल किस्म के इंसान नहीं है वो, पहले था, पर आपसे मिलने के बाद इनको समझ आ गया है कि बात करने के बाद ना हर चीज़ का सलूशन है, बात करने से हर चीज़ का हल निकल आएगा और बहुत जल्दी निकल आएगा। ये अच्छी तरीके से जानते हैं, ये समझते हैं इस बात को। तो स्टार की एनर्जी भी आ रही है इनको ना, ये है कि इन्होंने ना अपनी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा बड़े पेडिस्टल पे रखा है। एक स्टार लाइक एनर्जी है जहाँ पे ये उस स्टार को मानते हैं, वो इस इंसान को सबसे ऊपर मानते हैं जो इनके दिल में है। कोई और नहीं है, वो आप हो। आप इनके दिल में अभी भी हो और इनके दिमाग में भी हो, ठीक है। आपके पर्सन अगर इस समय कोशिश भी कर रहे हैं अपना दिमाग इस रिलेशनशिप में लगाने की, तो मैं बताऊं तो दिमाग जो है लगा रहे हैं, लेकिन फिर बात दिल पे आ जाती है। बार बार जो बात है दिल पर आ रही है। कोशिश है इस पर्सन की कि इस रिलेशनशिप में दिमाग हावी ना होने दे। दिखाई दे रहा है मुझे
कि आपके पर्सन ना बहुत अभी चुपचाप एक वल्नरेबल स्टेट में बैठ गए हैं, मतलब अपनी कमर सीधी करके भी नहीं बैठ पा रहे, मतलब इतना ज़्यादा इनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जो कुछ भी काम कर रहे हैं ना, दिल में सिर्फ यही आ रहा है कि मेरे पर्सन इस समय क्या कर रहे होंगे, इस समय भी ये इंसान आपके बारे में ही सोच रहे हैं। अगर आज छुट्टी है, आज छुट्टी का दिन है जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हो, या कल छुट्टी गई है, तो यकीन मानो इस पर्सन ने बहुत कोशिश की होगी, बहुत बार फ़ोन उठा के रखा होगा, मतलब फीलिंग्स इनकी ऐसी है मतलब वेव्स की तरह है, बहुत बार कोशिश की है पहुंचने की, फिर ये पीछे मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर कदम पीछे ले रहे हैं, फिर कदम पीछे ले रहे हैं, और अपनी इस हरकत से ये खुश नहीं है, अपनी इस एनर्जी से आपके पर्सन खुश नहीं है। इनको लगता है कि ये बहुत ही कायर हो गए हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि अपनी चीज़ को ये खुल के नहीं बता पा रहे, और इसी वजह से इस रिश्ते में बहुत कुछ सहना पड़ रहा है आपको। इनको ऐसा लगता है कि वो आपके जो सपने हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, आप जिस तरीके की ज़िंदगी चाहते हो, जिस तरीके की आपकी ख्वाहिशें हैं, उसको ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से आपके पर्सन में मैं एक शर्मिंदगी देख रही हूँ, मैं एक अफसोस देख रही हूँ। देखो, ये पर्सन भोला भाला नहीं है, काफ़ी प्रैक्टिकल नज़रिया मुझे इनका नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये भी भली भांति जानते हैं कि प्यार से पेट नहीं भरने वाला, पेट भरने के लिए जो चीज़ चाहिए या फिर जितना काम चाहिए, अगर वो सब चीज़ें नहीं होती किसी रिश्ते में, तो लोग भूखे सोएंगे, दो लोग भूखे सोएंगे, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और कोई भी परिवार नहीं चाहेगा जिसको वो अपनी बेटी दे, या फिर जिसके घर अपने पर्सन को भेजे वो धोखेबाज हो, या उनकी बेटी को रुलाए, या फिर वाइस वर्सा, समझ लीजिए ये खाली फीमेल्स के लिए नहीं है, मेल्स के लिए भी है, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि आपके घर पे ऐसी कोई लड़की या ऐसा कोई सदस्य आए जो आपके नाक में दम करके रखें। वो भी तब होगा ना जब इस अपने पर्सन को खुश रखोगे, तो शिकायत का मौका कहाँ मिलेगा। जैसे हर एक रिश्ते में एक अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे ही इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है जिन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन मात खा रहे हैं, और आप इस पर्सन पर ही डिपेंड कर रहे हो। मैं आपको ये भी बता दूँ, आप इस पर्सन पे ही डिपेंड कर रहे हो, कोशिश आप छोड़ नहीं रहे हो चाहे आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है, ठीक है ना। आप इस पर्सन पे अटके हुए हो, आपके दिल में इनका नाम है। इनफैक्ट मैं बता दूँ, इनसे और भी अच्छा ऑप्शन आपके पास है। मुझे पता है आपकी लाइफ में सिर्फ एक पर्सन नहीं है, यहाँ पे दो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक इंसान है जो पूरा राजकुमार या राजकुमारी है, वेल सेटल्ड, सब कुछ है उनके पास, लेकिन आपके नज़रिए से देखूं तो आपका दिल नहीं मान रहा है। साफ सीधी बात, आपका दिल नहीं मान रहा है, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप आगे इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि आपका मन नहीं मिला उस पर्सन के साथ, और चाहे कितना दुख हो, इस रिश्ते में आप इस रिश्ते में रहना है चाहते हो, आप इसी रिश्ते को ही काम करता देखना चाहते हो, आप इसी रिश्ते को ही आगे बढ़ना चाहते हो लेकर। यह आपकी ज़िद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आप इसी पर्सन में ही ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इसीलिए आप वेट कर रहे हो। और मैं बता रही हूँ कि ये वेटिंग टाइम भी बहुत छोटा नहीं है, वेटिंग टाइम भी काफ़ी समय से चल रहा है, बट आप फिर भी वेट करते करते ही सोच रहे हो कि इस रिश्ते में प्रॉस्पैरिटी आ जाए, वेट करते करते ही सोच रहे हो कि इस रिश्ते में सब चीज़ ठीक हो जाए। अब फाइनली यहाँ पे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि क्रॉस रोड्स, क्रॉस पाथ है। अभी दोनों के ना विचार बहुत अलग अलग है, ठीक है ना। आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी ख्वाहिशें हैं, वो इमोशनल है, आपके पर्सन की ख्वाहिशें इस समय फिज़िकल है, साफ सीधा बता रही हूँ। आप इनको इमोशनली स्टेबल देखना चाहते हो, अगर ये इमोशनली आपको थोड़ा भी बात कर लें, ठीक से बैठ लें, आपके साथ चीज़ को शेयर कर लें, आपकी बात को सुन ले ध्यान से, आपको ब्लेम ना करें, क्योंकि आप उनके दुश्मन नहीं हो, वो चीज़ आप इनको समझाना चाह रहे हो। कितनी बार आपने इस पर्सन से मात खाई है, कितनी बार आप इस पर्सन से अपना दिल तुड़वा चुके हो, तो भी आप पीछे नहीं हट रहे हो,
ऐसा लगता है कि अगले ही दिन इनके पास ऐसे चले जाते हो, इतना माफ़ कर देते हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी बात को समझे। आप चाहते हो कि इतना आसान नहीं होता, उनको बताना चाहते हो इतना आसान नहीं होता चीज़ों को, इतनी जल्दी माफ़ कर देना, उसी इंसान के साथ दोबारा रहना और उसी इंसान को फिर से तैयार करना कि चलो जी फौजियों की तरह तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक और चीज़ सिखाती हूँ या एक और चीज़ सिखाता हूँ। नहीं, आप इतना प्रूफ करना चाहते हो इस पर्सन को कि हाँ, अगर मैं ये सब कर रही हूँ या फिर मैं ये सब कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मुझे भरपूर प्यार है, मुझे तुम्हारा मतलब दिल भा गया है, मुझे दिल लगी की वजह से ये सब करना पड़ रहा है, ये सब सहना पड़ रहा है। पर ये डेफिनेटली आपकी कमज़ोरी तो नहीं है, दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली ये चीज़ आपकी कमज़ोरी तो बिल्कुल भी नहीं है। कैंडल क्यों बुझ गई, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, फिर से ब्लो करते हैं। अच्छा, लाइव रीडिंग किस किस को चाहिए, हमने थोड़े दिन पहले लाइव रीडिंग की थी, बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रा लाइव रीडिंग किस किस को चाहिए, लिखिए लाइव लाइव रीडिंग किस किस को चाहिए बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। यहाँ रखते हैं, और अब हम लेते हैं कार्ड्स जिसकी मदद से मैं आपको बताऊंगी इस रिश्ते में अगला पड़ाव किस चीज़ का आ रहा है। द टेंपल पाथ, हैप्पी फैमिली, ब्रोकन हार्ट, द सन की एनर्जी। ऐसा लगता है मुझे कि आपके पर्सन ने ही और इस रिश्ते ने ही आपको एक लाइफ में डायरेक्शन दे दी है, ठीक है ना। इससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना काफ़ी ज़्यादा एक रिलेशनशिप को क्रेव कर रहे थे अपने पर्सन से पहले। ये बात सच नहीं, ये बात झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है कि आपने इस रिलेशनशिप से पहले ना एक लव को बहुत ज़्यादा क्रेव किया। आपको ऐसा लगा है कि आपकी लाइफ में प्यार की कहीं ना कहीं कमी है, आपको ऐसा लगा है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो यू आर नॉट लवेबल। हालांकि आपके आगे पीछे मैं देख रही हूँ लव की कोई कमी नहीं है, आपके आगे पीछे लोग पागल हैं आपसे बात करने के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी एनर्जी है सिर्फ आपके आसपास, जो कि मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आप ना बहुत लोगों को वेट करा रहे हो इस समय। सो मेनी अननोन एनर्जी, सो मेनी अनवांटेड एनर्जी जो आपके सिर्फ हाई के लिए हो सकता है आपके इनबॉक्स में, या फिर आते जाते आप उनको एक बार नज़र मिला के देख लो, उसके लिए आपके आसपास हैं, उसी के लिए वो आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि अनवांटेड एनर्जी है, ना जान ना पहचान, ऐसे लोगों से बात करके समय व्यर्थ होता है, एक तरीके से आप अपने आप को बचा रहे हो, है ना। पर दूसरी ओर क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा लगता है एक गाइडिंग एनर्जी है, एक बहुत गाइडिंग एनर्जी है जो आपको ना अपने पर्सन के पास लेके जा रही है। इसका मतलब साफ मुझे दिखाई दे रहा है, जो ये पर्सन है ना वो आपको एक बार तो पाना चाहते हैं। इनके लिए ना ये फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शायद उन्होंने कभी आपसे मुँह खोल के बोला है, या हो सकता है ना भी बोला हो, बट उनके लिए ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार वो आपके बहुत करीब महसूस करना चाहते हैं, एक बार वो सोल से सोल, देखो सबका प्यार जताने का तरीका अलग होता है, लेकिन यहाँ पे देखो जब सन की एनर्जी क्या बोल रही है, वो चीज़ इनको मिली नहीं ना। मैं बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ हर किसी के साथ है, आपसे नहीं मिली तो ये पर्सन चल दिए हैं किसी और के साथ उसको महसूस करने।
आपसे नहीं मिली तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन निकल पड़े हैं किसी और शिकार को ढूंढने, या ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपने मन में कुछ और सोच के ना इग्नोर करके मतलब किसी और के पास चले गए हैं वो चीज़ लेने के लिए। ऐसा नहीं है। जो वो डीप कनेक्शन आपके साथ महसूस करते हैं ना, वो बहुत प्योर है, और वो फिर आपके पास आएंगे अपनी चीज़ों को लेने के लिए। वो फिर आपके पास आएंगे इस कनेक्शन में जो बची हुई चीज़ें उसको फिलफिल करने के लिए, अपनी चीज़ों को भी लेने के लिए। और मैं बताती हूँ, ये देखो कीचड़ में कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन से परे, एक्सपेक्टेशन आपकी जितनी थी उससे भी आगे जाकर ये पर्सन आपके लिए कुछ करने वाले हैं। आप ही की वजह से आपके पर्सन ने ना फैमिली की इम्पोर्टेंस जानी है, आप ही की वजह से आपके पर्सन ने कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस जानी है, केयर की इम्पोर्टेंस जानी है। ऐसा लगता है आप ही की वजह से इस पर्सन ने कुछ पढ़ना लिखना भी स्टार्ट किया है, यानी कि हो सकता है कि ऑनलाइन कुछ रिश्तों को लेकर पढ़ने लग गए हैं, ऑनलाइन ऐसा हो सकता है कि कुछ आर्टिकल या फिर कोई किताब पढ़ने लग गए हैं चीज़ों को बेटर जानने के लिए, अपना मन शांत करने के लिए, लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में, ऑपोजिट जेंडर या रिलेशनशिप बुक्स पढ़ने लग गए हैं। आप ही की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुल के आए हैं, फ्री हो के आए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आप ही के साथ ना एक प्यार की निशानी को भी इस दुनिया में लाना चाहेंगे, आप समझ रहे हैं। बहुत लवेबल एनर्जी है, द सन की एनर्जी ये बोल रही है कि ये जो पर्सन है ना आपकी वजह से इतना ट्रांसफॉर्म हुए हैं। इसका सिंपल से ये मतलब है, आपके पर्सन को पता है कि आपके साथ रहकर इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, एटलीस्ट धोखा तो इनको नहीं मिलेगा। कभी भी ये पर्सन धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी प्यार में इनको शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि आपकी कहानी ऐसी है कि आपने ना इस पर्सन के थ्रू बहुत धोखा खा लिया, आपका दिल ना इस पर्सन से मिलने के बाद टूट गया है, बहुत बुरी तरीके से टूट गया है। नंबर 9 यहाँ पे ब्रोकन हार्ट आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि आपने समझ लिया है कि एक्चुअल में इन प्यार मोहब्बत में होता क्या है, और इसी की वजह से यहाँ पे आपके अंदर एक बहुत बड़ी एनलाइटमेंट आई है, अवेकनिंग आई है खुद के प्रति, अपने आसपास वालों के प्रति और लाइफ के प्रति। एक बार आपको झटका लगा ना, हर बार लगा, आपको ये तो समझ आ गया है कि खुद पर ध्यान देना और अपने लिए काम करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में कोई नहीं पूछता, क्योंकि बाद में किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में कोई भी नहीं आने वाला आपको बचाने। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप अपने लिए हो, और इस रिलेशनशिप में अगर ये पर्सन सेम लेवल पे होते समझते हैं तो रिलेशनशिप बनेगा, वरना कितनी भी कोशिश करने के बाद ये टूटेगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। द टेम्पल पाथ, द हैप्पी फैमिली, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का जो आपकी तरफ बढ़ने का जो कदम है, जो फैसला है, वो पूरा का पूरा पक्का फैसला है। द टेम्पल पाथ की एनर्जी से मुझे साफ साफ क्लियर हो गया है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन हैं वो ये चीज़ मान गए हैं, इस चीज़ को ये पूरी तरीके से समझते हैं कि अपनी पॉजिटिविटी के साथ और अपनी फीलिंग्स, जो प्योर फीलिंग्स है ना, उसको अगर ये अपने दिल में, जहन में लिखकर लेकर, अपने अंदर लेकर आपके पास आते हैं ना, तो ये टेम्पल पाथ से लेके हैप्पी फैमिली ज़रूर आएगा। हालांकि ये आपके लिए इतना ज़्यादा प्यार में लीन है, इतना ज़्यादा ये आपके लिए झुक गए हैं, इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ अपनी फैंटेसीज़ को, अपने प्यार को सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खोलना चाहते हैं इस प्रकार कि उनके लिए अगर कोई, जैसे कहते हैं, अगर आपके पर्सन मेल हैं तो उनके लिए स्त्री की जो परिभाषा है वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, उनकी आँखें सिर्फ आपको ढूँढ रही हैं इस समय। और अगर आप मेल हो तो मैं बता रही हूँ, जो फीमेल है ना, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के सामने ही सिर्फ खुलना चाहती है, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है। इसलिए जो टेम्पल पाथ है, यानी कि कोई ज़बरदस्ती वाला पाथ नहीं है, ये वो सारी चीज़ें करके आना चाहते हैं जिससे वो सबके सामने से इज्जत से आपको अपने घर से लेके जाएं अपने साथ। हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है। अब इनका जो नेक्स्ट एक्शन हो रहा है यहाँ पे, इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं ना, आपको यकीन दिला देंगे ये पर्सन कि कैसे ये आपके लिए बिल्कुल सही हैं। आपको समझ आएगा कि भले इस इंसान के साथ आपकी एक्स वाई जेड चीज़ें पूरी नहीं हो रही है, लेकिन हैप्पी फैमिली का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि इस वक्त ना, जब ये आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, उससे आपकी दोनों ही फैमिली सेटिस्फाइड रहेगी। मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी ना, ये रिश्ता इस सेपरेशन की वजह से ही आप दोनों को अंदर ही अंदर
आपके पर्सन को इस रिश्ते के बारे में अवेकनिंग हुई है और आपको खुद के बारे में पता चला है कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं जिस पर आपको काम करना चाहिए। तो बहुत ही बैलेंस हो रहा है इस समय, इस एनर्जी में। ऐसा लगता है इनका आना आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक विश्वास लेके आएगा। एक पुराना ट्रस्ट जो टूट रहा है वो वापस आने के यहाँ पे बहुत सारी चांसेस है। तो यहाँ पे जो हार्ट ब्रेक है वो टेम्प्ररी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बताऊँ ये हार्ट ब्रेक फॉरएवर नहीं है। इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर देना। मिलके जाऊंगी अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। लव यू ऑल।